दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो वीडियो में देखा इस तरह का बाइक का एनिमेशन करके रात वाला सीन अगर आप लोग भी बनाना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि इस तरह का सीन आप लोग मोबाइल फोन से कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन में आ जाना है और यहाँ पे सर्च बार में लिखना है कार्टून बाइक इमेज, कुछ इस तरह से लिख कर सर्च करना है कार्टून बाइक इमेज। इस तरह से लिख कर सर्च करने पे आप लोग के सामने बहुत सारा बाइक का इमेज आ जाएगा। आप लोग को क्या करना है, इस वाले बाइक पे क्लिक कर देना है जहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको ऊपर लेके जाना है और आप लोग को इस वाले बाइक को डाउनलोड कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक वाला बाइक है, इसको डाउनलोड कर लेना है। इस बाइक को डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से बैक आना है और आप लोग को लिखना है कार्टून बाइक व्हील। मैं व्हील लिख के सर्च करता हूँ कार्टून बाइक व्हील। आप लोग के सामने बहुत सारा बाइक का व्हील आ जाएगा। आप लोग को इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, आ जाना है बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन में, जो कि आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को चलिए ओपन कर लेते हैं। हम लोग बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे लोड पे क्लिक करेंगे और लोड पे क्लिक करने के बाद जो हम लोग बाइक डाउनलोड किए रहेंगे उस बाइक को ले लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से बाइक को सेलेक्ट कर, आप लोग देख सकते हैं मैंने बाइक को सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक आ जाता है आप लोग का ऑटो कलर, इस पे क्लिक कर देना है जहाँ पे मैंने मार्क किया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसको लेके जाना है और यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, छोड़ देना है टाइप करके। उसके बाद फिर से लेके आना है इसके सेंटर को यहाँ पे और यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद फिर से लेके आना है इसको सेंटर को यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद ऊपर लेके कुछ इस तरह से यहाँ पे छोड़ के इसका बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से पहले इरेज कर लेता हूँ जिस तरह से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। उसके बाद इसके व्हील को भी इरेज कर लेना है इस तरह से, इस व्हील को भी इसको इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद इसको क्या करना है, फिर इस तरह से इसको पूरा मिटा देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे से इरेज कर दिया है, कुछ इस तरह से आप लोग को भी इरेज कर लेना है। इरेज कर लेने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करके और इसको सेव पे क्लिक कर देना है, या सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से बैक करना है और आप लोग को और व्हील को अपलोड कर देना है। व्हील को अपलोड करने के बाद आप लोग को व्हील का भी इरेज कर लेना है, इसका भी बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया, यहाँ पे ऑटो पे गया और यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दिया, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। कुछ इस तरह से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है ये अच्छे से, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं, इसको पूरा अच्छे से रिमूव कर लीजिएगा। चलिए मैं फटाफट से कर लेता हूँ और आप लोग को लेकर चलता हूँ काइन मास्टर में। रिमूव करने के बाद आप लोग को आ जाना है काइन मास्टर में। तो दोस्तों चलिए चलते हैं काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद आप लोग को क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, 16:90 वाले के क्रिएट पे क्लिक कर देना है और आप लोग को क्या करना है, एक सादा बैकग्राउंड ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक सफेद बैकग्राउंड को ले लिया है और इसको अपने वीडियो के लेंथ के हिसाब से खींच के कर लेना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जो हम लोग बैकग्राउंड को इरेज किए बाइक का उसको ले लेना है। तो चलिए मैं वहाँ उसको भी अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से इरेजर में जाके और इसको भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसका थोड़ा सा लंबा कर लेना है। लंबा कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से बैक कर लेना है और इसको भी खींच के वीडियो के लेंथ के हिसाब से कर लेना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ से बैक करना है और फिर से जाना है मीडिया में और फिर से इरेजर में जाके उस व्हील को ले लेना है जो हम लोगों ने बैकग्राउंड को रिमूव किया है। देख सकते हैं मैंने व्हील को भी ले लिया है। व्हील को लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसको छोटा करके कुछ इस तरह से छोटा करना है, छोटा करके कुछ इस तरह से सेट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद आप लोग को और छोटा करना है, जैसा कि आप लोग को अच्छे से सेट हो जाए इस हिसाब से कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेंड टू बैकवर्ड कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको भी डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट करके कुछ इस तरह से लेके आना है इस साइड में और इसको भी खींच इस तरह से सेंड टू बैकवर्ड कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह से कर देना है। अभी हमारा कुछ इस तरह से हो गया है, उसको इसको खींच के लंबा कर लेंगे अपने वीडियो के इस लेंथ के हिसाब से। उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या करना है। चलिए मैं फटाफट वीडियो के लेंथ के हिसाब से खींच के कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा चलिए वो दिखाता हूँ। यहाँ से मैं देख लीजिए आप लोग वीडियो के लेंथ के हिसाब से मैं कर लिया हूँ। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है व्हील के ऊपर और यहाँ ओवरले पे जाना है, ओवरले एनिमेशन पे जाना है और यहाँ पे आप लोग को एक वाइज आता है यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्लॉक वाइज पे क्लिक करना है और आप लोग का व्हील घूमता हुआ दिखाई देगा। फिर दूसरे व्हील पे क्लिक करना है और इस पर भी ओवरले पे जाके क्लॉक वाइज पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आप लोग का व्हील घूमता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद बैकग्राउंड पे जाना है और इसका कलर ग्रीन कर देना है। ग्रीन करने के बाद कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा देख लीजिए बैकग्राउंड घूम रहा है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, लेयर में जाना है और स्टिकर पे जाना है और इस वाले स्टिकर को डाउनलोड कर लेना है, अंडर द एक्सप्लॉइट लाइट इसको डाउनलोड करना है, इसको ले लेना है। इसको लेने के बाद कुछ इस तरह से इसको लंबा करना है, कुछ इस तरह से कर लेना है और इसको इस तरह से लगा लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस तरह से लगाने के बाद आप लोग को क्या करना है, कुछ इस तरह से सेंड टू बैक कर देना है।
बैक करने के बाद यहाँ से इसको ले लेना है कुछ इस तरह से। अभी हमारा इसको भी लेंथ के हिसाब से कर देंगे वीडियो के, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। एक क्रोमाटून से करेक्टर को बनाना है जो कि बैठा हुआ दिखाई देगा, उसको ले के इस पर बिठा देना है। उसके बाद बिठा देने के बाद आप लोग का हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से करेक्टर को बिठा लेता हूँ जो कि मैं क्रोमाटून से उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ। तो मैं यहाँ से क्रोमाटून में जाता हूँ और इसको ले लेता हूँ। लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे करेक्टर को बैठा दिया है। इसी तरह से आप लोग को भी बना लेना है। अगर आप लोग को नहीं बनाना आता है करेक्टर का तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं दूसरा वीडियो इसके ऊपर लेके आ जाऊँगा। इसके बाद आप लोग को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से एक नया पेज लेना है जो कि क्रिएट पेज करेंगे और एक नया पेज लेंगे और नया पेज लेने के बाद एक बैकग्राउंड लेंगे। जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कौन सा बैकग्राउंड मैंने यूज किया था, उसी बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे फिर से यूज करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं उस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ पहले, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। चलिए इस बैकग्राउंड को मैंने ले लिया, इसी बैकग्राउंड को मैंने आप लोग को दिखाया था क्या करना है। इस बैकग्राउंड को इस तरह से छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आप लोग को क्या करना है, पेन एंड जूम पे जाना है और इस तरह से जूम करके कुछ इस तरह से साइड में ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर दूसरे वाला पे क्लिक करना है नीचे साइड में और इस तरह से क्लिक करके खींच करके कुछ इस तरह से ले लेना है। उसके बाद बैक कर देना है। बैक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारा बैकग्राउंड चलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, इस पे ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाना है और इसको ब्राइटनेस को कम कर देना है, जैसे कि इस तरह से कम कर देना है। कम करने के बाद आप लोग को फिल्टर में जाना है और बेसिक फिल्टर में जाना है और यहाँ पे आप लोग को आ जाना है और इसको थोड़ा सा कम कर देना है। इसको कम करने के बाद आप लोग का रात का सीन बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को इसको डुप्लीकेट करते जाना है। जितना आप लोग को वीडियो के लेंथ में चाहिए उतना बार डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे आप लोग जो करेक्टर को एक्सपोर्ट किए उसको ले लेना है। तो चलिए मैं उसको भी ले लेता हूँ यहाँ से। आने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसका क्रोमा की ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा। इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ। इसको लंबा कर लेना है खींच के अपने वीडियो के लेंथ के हिसाब से, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसको प्ले करके देख लेना है हमारा वीडियो अच्छा बना है या नहीं। आप लोग देखते हैं हमारा वीडियो कितना प्रोफेशनल तरीके से बना है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से आप लोग को बना लेना है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो दोस्तों उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं जल्दी आप लोग के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।